जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, 2018 से लगातार मैंने पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े परिवर्तन के लिए बार बार अपने इस वीडियो में अलग अलग टॉपिक पर आप लोगों के सामने बहुत सारी बातें रखी हैं। और 2022 तक के लिए मैंने कहा था कि ये सब घटनाएं आप घटित होते हुए भी देखेंगे, और अब हम 2022 के मध्य में आ चुके हैं। तो आज हमें ये जरूर समझना होगा कि 2018 से लेकर के और 2022 के मध्य तक आखिर दुनिया में क्या बदल चुका है और क्या हमारा आकलन सही दिशा में है। दर्शकों, इस वीडियो को देखने के बाद में मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के मन में 1% भी संशय रहेगा कि भारत का भविष्य स्वर्णिम है। यानी भारत का भविष्य स्वर्णिम है, इस बात को आप जरूर मानेंगे, क्योंकि मैं तथ्यों के आधार पर आज आपके सामने बात रख रहा हूं। एक के बाद एक सारे पॉइंट आपके सामने रखूंगा कि ये बात मैंने क्यों रखी है आप लोगों के सामने, और आप खुद भी इस चीज का एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि यूरोप की स्थिति क्या है। वहां बिखराव की स्थिति है। कुछ देश किसी और चीज पर बिलीव करते हैं, कुछ देश किसी और चीज पर बिलीव करते हैं। कोई नाटो के साथ जाना चाहता है, कोई नाटो के साथ नहीं जाना चाहता है। कुछ देश यूरोप से अलग हो रहे हैं। चाइना के अंदर इकोनॉमी का क्राइसिस है। वो अब तक की सबसे बुरी स्थिति से अपने आप को गुजार रहा है, या कोविड के कारण से कह सकते हैं कि वहां परिस्थिति इस समय पर खराब हो चुकी है। पाकिस्तान कर्ज में डूब चुका है और बदहाली के हालात में अपने आप को पहुंचा चुका है। नेपाल बदहाल है। श्रीलंका में राजनीतिक संकट है। अमेरिका के अंदर अब तक का सबसे कमजोर राष्ट्रपति वहां पर है, जिसके कारण से सारी स्थितियां खराब हो रही हैं। यूके अपने आप को यूरोप से अलग कर चुका है। रूस अपने आप को युद्ध के अंदर फंसा चुका है, और जिसका खामियाजा उसे भुगतना भी होगा। बहुत सारे छोटे छोटे राष्ट्र हैं जो इस दुनिया से मदद की आस लगाए बैठे हैं, और कोविड के कारण से बहुत सारे राष्ट्र ऐसे हैं जो बर्बाद हो चुके हैं, या यूं कह लीजिए कि अब उन्हें उभरने में कई दशक लग जाएंगे। दर्शकों, सारी बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी है ये बताने के लिए कि दुनिया के हालात क्या है। अब दूसरी ओर हम भारत के हालात पर चिंता करते हैं, या यूं कह लीजिए कि चिंतन करते हैं। भारत में विकास दर 8% से ऊपर की रहेगी, ऐसा अनुमान विश्व का है। भारत में एक मजबूत और स्थिर सरकार है दुनिया के और देशों के कंपैरिजन में। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अपने अब तक के सबसे मजबूत स्थिति के अंदर है। भारत की सरकार के पास में अगले 10 से 15 साल का भारत को लेकर के एक विजन है, और उस पर वो काम कर रही है। भारत भविष्य के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। सबसे स्किल्ड लोग यदि कहीं हैं तो भारत में है। पूरी दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र यदि कोई है तो वो भारत है। दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों के अंदर अगर कोई प्रतिनिधित्व इस समय कर रहा है तो वो भारतीय हैं। पूरे विश्व की निगाहें इस समय भारत के ऊपर हैं। भारत एक मजबूती के साथ में पूरे विश्व को एक नई राह दिखाने की तैयारी कर रहा है। भारत के नेतृत्व पर पूरी दुनिया का अब भरोसा होने लगा है। पूरे विश्व के अंदर भारतीयों को अब एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा है, और भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता भी अपने अंदर ला रहा है। दर्शकों, दोनों चीज को जब आप कंपेयर करेंगे, विश्व के हालात वर्सेस भारत के हालात, तो आपके सामने स्पष्टता के साथ में एक पिक्चर उभर कर आएगी
कि हम बहुत बड़े विनर हैं। यानी विश्व के अंदर जहां पूरी दुनिया एक संकट के दौर से गुजर रही है, वहीं हम एक उभरते हुए राष्ट्र के रूप में, उभरती हुई आशा की किरण के रूप में पूरे विश्व के सामने अपने आप को लेकर आ रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर हम थोड़ी सी भी दूरदर्शिता रखते हैं तो ये सारी बातें आज के दौर में जब हम इन पर गौर करते हैं तो ये समझने के लिए पर्याप्त है कि भारत का भविष्य कितना स्वर्णिम है। और ये इसलिए भी गर्व की बात है कि हम सब भारतीय हैं। किसके कारण से हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किसकी सरकार है, किसकी सरकार नहीं है, ये समय इन बातों के विचार का नहीं है। ये चीज हमें देखनी है कि भारत के 130 करोड़ लोगों की मेहनत का परिणाम ये है कि आज हम पूरे विश्व के अंदर अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं और पूरा विश्व हमारे तरफ आशा की निगाहों से देख रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और इसीलिए ये समय हमारी जिम्मेदारी को और बढ़ा देता है कि हमें विश्व को उनकी आशाएं जो हमसे लगी हुई हैं उस पर हमें अपने आप को खरा भी उतारना है, और उसके लिए हम भारतीयों को और मेहनत करनी पड़ेगी। दर्शकों, किसी भी एक व्यक्ति के कारण से कभी ऐसा नहीं होता है कि सब चीजें बदल जाए। व्यक्ति तो केवल एक विजन रखता है, यानी अगर किसी भी देश के शीर्ष नेतृत्व में बैठा हुआ व्यक्ति यदि कोई विजन भारत के सामने या उस देश के सामने रखता है तो वहां की जनता भी उसी दिशा में काम करती है। और इसीलिए कहा जाता है कि नेतृत्व यदि सही हो तो बड़ी से बड़ी लड़ाई भी आसानी से जीत ली जाती है। दर्शकों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरी तरह से आप लोगों के सामने ये बात रखी है कि दुनिया के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका है, और हम अब भी अगर इस परिवर्तन को महसूस नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारा कोई भी भला नहीं कर सकता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।